यहाँ सारी बुराई होती है, गलत काम होते हैं, यहाँ पे लड़कियों को लाया जाता है, लड़के लड़के बुक करके लाते हैं। शनाख्ती कार्ड नहीं है आपका? नहीं। तो मैं यहाँ सिराहा का किसने मशवरा दिया कि यहाँ जाओ? इधर लड़के काम करते हैं हमारे, वो यहाँ पे रहते हैं होटल पे, वेटर का काम कर। 2 सालों में घर नहीं गए। बंदे बंदों को के दुश्मन? हाँ, लड़के लड़कों, बंदे लड़कों, छोटे बच्चों के साथ ज्यादा। यहाँ पर आए हो तो क्या क्या उन्होंने तुमसे फॉर्मेलिटी ली है कि ये भी दे दो, एडवांस पैसे भी दे। इधर लाहौर क्या करना है? इधर से घर जाना है। लाहौर से गुजरांवाला से कोई रास्ता नहीं है? नहीं, इधर से डियर जाते हैं। अपनी मर्जी से? पीछे बहन भाई माँ बाप है। 2 सालों में घर नहीं गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखो टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा, खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, कंजेक्शन सी है इस जगह पर, और देखे पतली तंग सी गली है, और बाइक भी मेरे ख्याल में बड़ी बामुश्किल यहाँ पे है। यहाँ पे लाने का मकसद ये है कि आप लाहौर में दाता दरबार की नगरी में सुनते हैं सराँ। सराँ बेसिकली ऐसे मजदूर खाना या मुसाफिर खाने का नाम है जिसको एक गलत अंदाज में आप जो है चलाया जा रहा है। ये देखें, एक छोटा सा दरवाज़ा है और अंदर इसके क्या माहौल है वो तो आपको दिखाएंगे। ये देखें कि इस गली में तकरीबन 3-4 सराएँ हैं मुख्तलिफ तरीके से। अब उन सराओं में कौन रहता है, उन सराओं का क्या तरीकाकार है, उन सराओं में एंट्री क्या है, कवायद क्या है, रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या हैं, नीड्स क्या है जो इसमें एंट्री करता है या जो यहाँ पर रहना चाहता है, उससे आईडी कार्ड लेते हैं, फॉर्मेलिटीज़ पूरी होती हैं या नहीं होती, इनसे हम सारी डिटेल भी हम दिखाएंगे और ऊपर चलते हैं आपको सराओं का माहौल दिखाते हैं। चलिए जी नाज़रीन, मैंने आपको जो बताया सराओं पे स्पेशल कमरे भी हैं जो स्पेशल कामों के लिए रेंट पे दिए जाते हैं। ये रूम नंबर 1 है 2 है, ये देखें ना, ये सारे ये एंड तक रूम है। ये वॉशरूम भी दिया हुआ है। यहाँ सारी बुराई होती है, गलत काम होते हैं, यहाँ पे लड़कियों को लाया जाता है, लड़के लड़के बुक करके लाते हैं, लड़के लड़कियाँ बुक करके लाती हैं। ये सारे स्पेशल रूम हैं, जैसे होटल के स्वीट रूम होते हैं ना, सिराओं के ये स्वीट रूम हैं। शनाख्ती कार्ड नहीं है आपका? नहीं। बना हुआ नहीं है या है? नहीं, नहीं बना है। क्या उम्र है? 16। तो यहाँ क्या करने आए चित्राल से? इधर मदरसा पढ़ते थे। इधर मदरसा पढ़ते थे। चित्राल से आए मदरसे पढ़ने? जी। वहाँ नहीं है कोई मदरसा है? तो फिर यहाँ? यहाँ ही पढ़ते हैं। सही से बताओ, घर से भाग के आए? नहीं। हाँ, मदरसा चित्राल में नहीं है? कुरान दीनी तालीम तो हर जगह है। हमारा कारी साहब इधर ही है। अच्छा, गांव का है वो? गांव में और कोई कारी साहब नहीं है? यहाँ का कारी साहब वो जो यहाँ आया है वो खास तालीम देता है? नहीं, उधर ही का है वो, इधर ही पढ़ाता है। अच्छा, कितने अरसे से आए हुए हो? खाली आए हो, आज कल जाना है। कहाँ? वापस गाँव। पढ़ लिया इतने अरसे में? हाँ। यहाँ का किसने बताया कि यहाँ सिराँ पे रहना है और ये? उन्होंने शनाख्ती कार्ड नहीं मांगा? बेफारे में अपना रखा हुआ है साथ? दिखाओ। अकेले आए हो या घर में वाले कोई साथ आए हैं? नहीं, अकेले। लड़के हैं हमारे इधर। और कौन है, क्या करते हैं? वो काम करते हैं इधर। क्या काम करते हैं? होटल पे वेटर का काम करते हैं। जी। अच्छा, तुम यहाँ पे मदरसे पढ़ने आए हो, दूसरी तालीम नहीं ली? कितना पढ़े हुए हो? हिफ्ज किया है। नहीं समझे? हिफ्ज किया है। अच्छा, हिफ्ज किया है, कुरान पाक के अलावा दूसरी तालीम नहीं? नहीं। अब यहाँ पर आपको पता है कि ये बंदे और किस तरह का, ये स्पेशल ये सराँ जो है ना मशहूर है, यहाँ पर जो दूसरे शहरों से आते हैं उन बच्चों के साथ ज्यादतियाँ भी की जाती हैं, उनको नशे पे भी लगाए जाते हैं, उनके साथ गलत काम भी किए जाते। तो मैं यहाँ सिराँ का किसने मशवरा दिया कि यहाँ? इधर लड़के काम करते हैं हमारे, वो यहाँ पे रहते हैं। जी। कितने पैसे? और यहाँ पर आए हो तो क्या क्या उन्होंने तुमसे फॉर्मेलिटी ली है कि ये भी दे दो, एडवांस पैसे भी दे दो, क्या क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं है। कोई पैसा नहीं लिया? नहीं, बस कहा है कि जाओ सो जाओ। जी। किस टाइम आते हो यहाँ पे? अभी मैं इधर ही था। हुँ? वो काम पे गए हैं। अच्छा। सुबह जाएंगे। तुम किस टाइम पढ़ने जाओगे? नहीं, मैं कल घर जा रहा हूँ। क्यों, नहीं बनी बात? मदरसे नहीं पढ़ना? पढ़े पढ़े, एक दिन पढ़ना था बस? नहीं। हाँ। 2 साल हुए इधर। खुद तो कहा है कि कल आया हूँ, आज सुबह चला जाऊँ। मदरसे से कल आया। कौन सा मदरसा है, क्या नाम? मोहम्मदिया।
किधर है वो? तो लाहौर क्या करने आया हो? इधर से घर जा रहा। सारी फिल्म सुना रहा है, सारा ड्रामा सुना रहा है। सही, कोई बात नहीं है। कल आया हूँ, कल जा रहा हूँ, मदरसे आया हूँ, इधर लाहौर हूँ, इधर दोस्त हैं। कोई से इधर हूँ। अच्छा, दो साल से गुजरावाला में पढ़ता था, उधर से कल इधर आया हूँ। इधर लाहौर क्या करने आया? इधर से घर जाना है। लाहौर से गुजरावाला से कोई रास्ता नहीं है? नहीं, इधर से डियर जाते हैं, डायरेक्ट जाते हैं। वहाँ से नहीं जाते? नहीं जाते। चलो कल ही कल चले जाते, यहाँ क्यों रुके? वैसे 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 का कोई मतलब है नहीं। आप सही बताओ, किसके पीछे आए? किसके बीच आएंगे? झगड़ के आए हो घर से? नहीं, मैं खुद की मर्जी से। अपनी मर्जी से? पीछे बहन भाई माँ बाप है? क्या करते हैं वाले? कुछ नहीं। वालदा है? बहन भाई सब है। तुम छोटे हो सबसे? जी। दो सालों में कितनी दफा गया हो पीछे घर? नहीं गया। नहीं गया दो सालों से? इसका मतलब है नाराज होके निकले हो, है ना? नहीं। आप सही बता दो। नहीं, सही बता दो, सही बता दो, कोई मसला नहीं है, झूठ गुनाह होता है। हाँ, घर छोड़ के आए हो ना दो सालों से? नहीं यार, कल घर जा रहा हूँ यार। कल जा रहे हो ना? पता नहीं अब आप जाते हो या नहीं। दो साल क्यों यहाँ गुजारा है? नहीं, दो नीचे नीचे। अभी ये पुलिस वाले हम लोगों को, आखिर हम ड्यूटी पे हैं, तो हम अपनी ड्यूटी पे हैं, तो ये फिर कल पुलिस और चेकिंग, हमने उनसे भी पूछा है, उन्होंने क्यों नहीं दिखा? नीचे भैया कारी साहब का नंबर दो, वो मदरसे का नंबर 0340। अच्छा, तो कितने कुरान पाक के सिपारे हिफ्ज़ किए? पूरा किया। पूरा कर लिया? कहाँ से आए? चित्राल। चित्राल से। अच्छा, तो दो सालों में घर कितनी दफा गए? नहीं गया। दो सालों में घर नहीं गए? छुट्टी नहीं मिली थी? मिलती है। फिर जाने को दिल नहीं? अच्छे नहीं लगते घर वाले? लगते है। दो सालों में एक दफा भी तुम्हारा दिल नहीं किया? नहीं। कितने बागी हो गए अपने शहर चित्राल से, उनके लोगों से, अपने बहन भाइयों से, माँ बाप से? नहीं। यानी अब तुम्हारी 16 साल उम्र है, तो 14 साल की उम्र में तुम्हारी अभी मूछें भी थोड़ी थोड़ी फूटी, अब तो होंगी नहीं? नहीं। तुम 14 साल की उम्र में कैसे फैसला कर? मर दूं क्या? ये यहाँ सिराओं के लोग चेक एंड बैलेंस नहीं करते कि बच्चे घर से नाराज़ हो के आते हैं, भाग के आते हैं, कहीं वो क्राइम में कहीं मफरूर होते हैं, कोई मर्डर करके आते हैं, कोई ऐसे मामलात करके आते हैं। तो अब तुमने कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया, आगे वापस चित्राल जा रहे हो, क्या करना है वहाँ, क्या मूड है? कुछ नहीं, जाएगी क्या करना है? कोई सोचा है आगे कि यहाँ आए हो, वहाँ से सोच के आए हो कुरान पाक हिफ्ज़ करना है, यहाँ आके क्या? कुछ नहीं। बंद है। अब बताओ, नाराज हो? नहीं यार, नहीं। दो सालों में, अच्छा वजह क्या है, मुझे इसकी वजह बता दो, दो सालों में घर क्यों नहीं गए? जा रहा हूँ ना कल। कल जा रहे? दो सालों में एक दिन भी नहीं गए? माँ की याद नहीं आई? उधर आते हैं मदरसे में। अच्छा, इधर कैसे? तुम नहीं गए? इधर से कल आया हूँ। नहीं यार, नहीं, इधर लड़के के पास आया था, वो काम करता है इधर। दोस्त है? नहीं, गांव का है, रिश्तेदार भी है, वो इधर होटल पे काम करते हैं। उसे मिलने के लिए? जी जी। नाजरीन, ये तो हमने एक एक पहले भी हम सिराह पे गए हैं, वहाँ पर भी एक बच्चा था, लेकिन वो एक शख्स ने कहा, जो कि फुटेज में भी है, आप देख रहे हैं, कि उसने कहा जी मेरा अपना बेटा है, लेकिन सिराहों का माहौल, हमने कहा कि बच्चों को यहाँ सिराहों पे लाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ का माहौल, अंदरूनी माहौल, अंदर की बातें कहते हैं ना, कब्र का या मुर्दा हाल जानता है या कब्र वाले जानते हैं, तो ये देख लें कि यहाँ कंजेक्शन देख लें कि किस तरह ये सारे गर्मी है और कोई पंखे का भी इंतज़ाम नहीं है। कहाँ से आए? मैं ज़िला जंग से। जंग से। अब ये बताएं कि यहाँ सिराओं का माहौल आपने सुना? हाँ, सिराओं का माहौल, बच्चे को तो बिल्कुल मैं कहता हूँ सुलाना नहीं चाहिए। यहाँ पर ये 14-15 साल का बच्चा सो रहा है? गलत बात है, बिल्कुल गलत। यहाँ पर आपको पता है कि बंदे बंदों को के दुश्मन? हाँ, लड़के लड़कों, बंदे लड़कों, छोटे बच्चों के साथ ज्यादती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। बंदे बच्चों को नशों पे लगा? नशों पे बिल्कुल लगाते हैं। बंदे बच्चों को
बदफेली पे लगा है। बिल्कुल लगाते हैं, पैसे दे के पैसों का झांसा। इस बच्चे से आप में से किसी की जरूरत नहीं है पूछे के बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारा यहाँ क्या। बिल्कुल आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, बच्चों को यहाँ अलाउ होनी नहीं चाहिए। हम कहते हैं कि बच्चों को ना सुलाओ, बच्चों की वजह से हम लोग डिस्टर्ब होते हैं। अभी देखो ना हमने मजदूरी की हुई है तो हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, बच्चों की वजह से हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। नाज़रीन यहाँ पर मैं मेंशन करूँगी कि कानून नाफिज़ करने वाले इदारे कहाँ हैं, वो क्यों ख्वाबे गफलत में हैं, डीसी साहब कहाँ हैं, और यहाँ पे ऑथराइज्ड जो कि ये कानून नाफिज़ करने वाले हैं, बच्चों को तो अलाउ ही नहीं करना चाहिए। असराओं पे कमोबेश ऐसे रूम भी, खुफिया रूम भी बनाए गए हैं जो एक स्पेशल कीमत पर वो दिए जाते हैं रेंट पर, और वहाँ पर स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं। आज हम आए तो इसी उस पर थे, स्ट्रिंग ऑपरेशन पर, कि हम पूछे कि यहाँ पर जो बच्चे मौजूद हैं क्या उनका आईडी कार्ड है। ये बच्चा जिसकी सारी बातें गलत, जिसने सारी अपनी ड्रामा कहानी बताई, जो नंबर दिए वो सारे बंद हैं, हमने डायल भी किया, तो ये यहाँ पर रूल होना चाहिए कि बच्चों का या तो सरा में दाखला ममनू होना चाहिए, या फिर ऐसा हो कि इसका पूरा चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। कंजेक्शन इतनी है कि ये देखें ना, बंदे ही बंदे ऐसे सो रहे हैं। मैं थोड़ी देर ठहरी हूँ तो पसीने वाला आलम है। नाज़रीन हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों को महफूज कीजिए, नाराज़गी उनकी बर्दाश्त कर लें, मार कुट लें, लेकिन घरों से ना निकालें। बाद में ये फिर क्या होता है मामला, यहाँ पर तो मर भी जाएं तो बच्चों का कोई पता नहीं है कि जी रहे हैं या मर रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फ़ी अमानिल्लाह।